अलीगढ़ मांगे बदलाव हरिगढ़, तो सर ये आपके मन में विचार आया कैसे? देखो जय जी, तो जो मेरे फादर जब अपने अंतिम समय में थे जी, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि बेटा अगर मुझे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस शहर का नाम बदलने की कोशिश करना। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे उतनी समझ नहीं आई, बट जब मैं इस पर उनके जाने के बाद एक साल मैंने इस पर वर्क किया और काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैंने इस अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ मुहिम का आगाज किया। जैसा कि आपने अलीगढ़ के नाम हरिगढ़ के लिए इतना बड़ा बदलाव की मुहिम चलाई दी है, लंबा समय हो चुका है, आपको लगता है कि नाम बदल पाएगा? डेफिनेट, ये नाम डेफिनेट बदलेगा और मेरी जो मुहिम है वो मुहिम लोगों के मस्तिष्क और लोगों के मन और लोगों की जुबान पर इस मुहिम को लाने की है कि ये शहर मेरा है, मेरा शहर हरिगढ़ है। जब हम इस शहर का स्वामित्व ले लेंगे कि ये मेरा शहर है, मेरा शहर हरिगढ़ है, तो ये स्वामित्व जब आप ले लेंगे तो आप इसके लिए काम करेंगे। यूपी में 28वें नंबर पर आता है, मैं चाहता हूं कि ये हरिगढ़ शहर इस देश का, इस प्रदेश का नंबर वन शहर बने, इस शहर की इकोनॉमी उस स्तर पर पहुंचे कि देश में और प्रदेश में इस हरिगढ़ शहर का एक नाम हो, एक स्थान हो, एक पहचान हो। कि आपने पोस्टर लगवाए अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होना चाहिए, तो अगले दिन पोस्टर फाड़ दिए गए, तो क्या उन लोगों का पता चल पाया किसने फाड़े? क्या आपको नहीं लगता कि पोस्टर फाड़ दिया आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? कभी महसूस हुआ ऐसा? जब आप हरी का काम करते हैं तो डर, दहशत, खौफ आपके दिल और दिमाग दोनों से निकल जाते हैं जी। तो डर, दहशत और खौफ मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हरी की भक्ति में हूं, मैं हरी मैं हो चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी आज आपके बीच आया हूँ अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ क्यों मुद्दे को लेकर, और इसके मेन शख्सियत, इस नाम को लेकर आवाज़ उठाने वाले अतिथि आज हमारे बीच हैं जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं। तो दोस्तों आज मिलाने वाला हूँ मैं अपने प्रोग्राम में मुख्य अतिथि नीरज शर्मा जी से, जिन्होंने अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम बदलाव की मुहिम चलाई। तो सर आप स्टूडियो में हमारे आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे लाखों दर्शकों को सर एक बार आप अपने बारे में, एक बार अपने एक मुहिम के बारे में थोड़ा सा सर अपनी दो बातें बता दें सर, उसके बाद हम आगे के प्रोग्राम पर सर चर्चा करेंगे। सर मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय ये है, मेरा नाम नीरज शर्मा है जैसा जैसी आपने अभी अभी बताया, और मैं इस हरिगढ़ ज़िले के खैर तहसील के एक छोटे से गांव इस्माइलपुर का रहने वाला हूं, जिसे आप बाईसी के तौर पर भी जानते हैं, बाईसी ब्राह्मण्स, वहाँ 22 गांव ब्राह्मण्स के एक साथ हैं, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी इसी हरिगढ़ शहर से हुई है। जो मैंने 10th किया वो खैर इंटर कॉलेज खैर से पास आउट हुआ, और बाकी शिक्षा अलीगढ़ से ली, फिर बाद में मैं आगरा भी गया जी। मास्टर्स मैंने LLM आगरा कॉलेज आगरा से किया था। ABBP से मैंने अपने विद्यार्थी जीवन की शुरुआत की, ABBP में मैं रहा, युवा मोर्चा में भी मैं रहा,
जी, और वर्तमान में मैं संघ में आरएसएस में हूँ, और क्योंकि मेरा एक निवास वर्तमान में नोएडा भी है तो वहाँ मैं संपर्क का काम देखता हूँ, मैं संपर्क का दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ उधर। तो सर आप आज के समय में एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट में आप कार्यरत हैं, और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि हमने ये भी सुना कि आप बहुत गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। तो सर आप सबसे पहले हमारे स्टूडियो आए, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि अलीगढ़ मांगे बदलाव, हरिगढ़, हमने बहुत बड़े बड़े पोस्टर आपके अलीगढ़ में देखे और आपने इस मुहिम को बहुत बड़ा बनाया, और सर हमने ये भी देखा कि आपने पोस्टर लगाए और अगली रात वो पोस्टर फाड़ भी दिए गए। तो सर हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर पहला सवाल तो ये है कि अलीगढ़ मांगे बदलाव हरिगढ़, तो सर ये आपके मन में विचार आया कैसे? देखो जय जी, कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज की प्रेरणा आती है जी, और मुझे भी ये प्रेरणा आई क्योंकि मेरे फादर भी स्वयं सेवक थे बहुत पुर, और प्राइमरी के अध्यापक थे, मैं एक अध्यापक पुत्र हूँ, मेरे कई जी दोस्त अध्यापक हैं, मैं अध्यापकों के बीच में काफी रहा हूँ जी, और अध्यापक समाज का आईना होते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं जी, तो मैं ऐसे लोगों में काफी रहा जी, मेरी परवरिश ऐसे ही लोगों के बीच में हुई जी। तो जो मेरे फादर जब अपने अंतिम समय में थे जी, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि बेटा अगर मुझे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस शहर का नाम बदलने की कोशिश करना। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे उतनी समझ नहीं आई, बट जब मैं इस पर उनके जाने के बाद एक साल मैंने इस पर वर्क किया और काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैंने इस अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ मुहिम का आगाज किया जी। जब मुझे ये समझ आया जब ये शहर हरिगढ़ होगा, जब ये शहर हरिमय होगा, जब इस शहर में सब कुछ हरा भरा होगा, तो ये शहर कैसा होगा, ये दृश्य अपने आप में ही आपको अद्भुत एक अनुभूति देता है। सर मैं यही रोकना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा और जब कैसा बदलाव होगा, तो सर इसका नाम आप अलीगढ़ से हरिगढ़ के रूप में ही देखना चाहते हैं या कुछ और भी अलीगढ़ के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं? ये बदलाव की मुहिम है और इस बदलाव में हर तरह का बदलाव होगा। जब बदलाव होता है तो एक नयापन आता है, चीजें बदलती हैं, उसका धरातल बदलता है, उसकी तरक्की बदलती है, उसका विकास बदलता है, उसमें जब इन सारी चीजों का समावेश होता है तो आपको लगेगा कि हाँ यस, इस शहर में कुछ बदलाव हुआ और विकास करने के लिए बदलाव की आवश्यकता है। सर जैसे कि मैं बीच में बोलना चाहूंगा, जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, तो क्या जमीनी स्तर पर वहां बदलाव हुआ? बिल्कुल, आपने सत्य कहा। फैजाबाद का नाम अयोध्या रखने से आप देखिए कि वो शहर अपने सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा है आज। काशी में काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना, जब 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 शहर अपने सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा होगा, जब शहर के पैरों तले जमीन होगी उसकी संस्कृति की, उस शहर का तब तब विकास होगा, तरक्की होगी और उस शहर के लोगों की जेब में पैसा होगा। आज आप देखिए ना, जब आप काशी जाते हैं तो आपको बनारस में होटल्स नहीं मिलते क्योंकि वहां आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां आपको होटल्स मिलते ही नहीं, क्योंकि वो शहर आज अपनी सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा है। इसी पर आप अयोध्या आइए, फैजाबाद में आइए, आज अयोध्या की स्थिति क्या है, आज लाखों करोड़ों टूरिस्ट अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर को देखने के लिए। तो राम मंदिर क्या है? राम मंदिर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरातल है। आज अयोध्या अपने सांस्कृतिक धरातल पर अपने पैरों से खड़ा है। आप इसकी आप देखना, आने वाले समय में ये शहर इस देश की और इस प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जी। जैसा कि आपने अलीगढ़ के नाम हरिगढ़ के लिए इतना बड़ा बदलाव की मुहिम चलाई दी है, लंबा समय हो चुका है, आपको लगता है कि नाम बदल पाएगा?
डेफिनेट, ये नाम डेफिनेट बदलेगा। और मेरी जो मुहिम है वो मुहिम लोगों के मस्तिष्क और लोगों के मन और लोगों की जुबान पर इस मुहिम को लाने की है कि ये शहर मेरा है, मेरा शहर हरिगढ़ है। जब हम इस शहर का स्वामित्व ले लेंगे कि ये मेरा शहर है, मेरा शहर हरिगढ़ है, तो ये स्वामित्व जब आप ले लेंगे तो आप इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए वर्क करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा शहर है, जो आज यूपी में 28वें नंबर पर आता है, मैं चाहता हूँ कि ये हरिगढ़ शहर इस देश का, इस प्रदेश का नंबर वन शहर बने, इस शहर की इकोनॉमी उस स्तर पर पहुंचे कि देश में और प्रदेश में इस हरिगढ़ शहर का एक नाम हो, एक स्थान हो, एक पहचान हो। अच्छा सर, मान लेते हैं हम कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया, सरकार ने कर दिया, आपकी बातें मान ली, आपकी मुहिम सक्सेस हो गई, तो इसके बाद या आपकी मुहिम यहीं खत्म हो जाएगी या इस मुहिम को और अगले बदलाव में अगला स्तर इसका क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, अगली सीढ़ी क्या होगी सर? जय जी, पहली बात ये बता दूं, ये मुहिम सिर्फ मेरी नहीं है, ये मुहिम मेरी है, आपकी है, इस शहर के प्रत्येक निवासी की है, हमारे पूर्वजों का ये आशीर्वाद है कि मैं तो इस मुहिम में एक सामने आ गया, लेकिन ये मुहिम तो हम सब की है, ये मुहिम संपूर्ण हरिगढ़ वासियों की मुहिम है, यहाँ के नुमाइंदों की, निवासियों की मुहिम है, तो ये मुहिम हम सब की है। और हरिगढ़ नाम होने से तो सिर्फ इस मुहिम का शुरुआत है जी। ये सिर्फ इस मुहिम की शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक ये शहर हरा भरा नहीं होगा, हरिगढ़ नहीं होगा, हरिमय नहीं होगा, इस शहर की तरक्की के लिए काम करना है, इस शहर के विकास के लिए काम करना है। मैं ये चाहता हूँ कि हरिगढ़ शहर लोगों के यहाँ से पलायन कराने वाला शहर नहीं, बल्कि लोगों को यहाँ रोजगार देने वाला शहर बने। हरिगढ़ शहर एक ऐसा शहर की स्थापना हो जहां हरिमय हो, राम राज्य हो, कोई वैमनस्यता किसी भी प्रकार की किसी भी समुदाय में ना हो। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि पलायन ना हो, तो क्या पहले कभी पलायन हुआ है अलीगढ़ से? आप देखिए ना, इस शहर से कितने लोग डेली दिल्ली जाते हैं, कितने लोग यहां से जाके दिल्ली बस गए, बॉम्बे बस गए, विदेशों में बस गए, तो ये पलायन नहीं तो क्या है? ये रोजगार पाने की दिशा में लोगों ने जो कदम उठाए वो, क्योंकि इस शहर में उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें शहर छोड़ना पड़ा, तो ये शहर के वासिंदों को यहां से पलायन ही तो करना पड़ा जी। जैसे कि आपकी जो मुहिम है, मुहिम में समर्थन बहुत सारे लोगों ने किया है, अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने भी बयान दिया कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाए। सांसद सतीश गौतम जी ने भी कहा, आपके उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कई बार समर्थन किया है आपका। जब बीजेपी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक है, तो अब तक नाम बदला क्यों नहीं? नहीं, नाम बदलने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जी। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने में कुछ वक्त लगा, फैजाबाद का नाम अयोध्या होने में कुछ वक्त लगा जी। वो सरकार के लेवल पर कुछ प्रक्रियाएं हैं जो सरकार को पूर्ण करनी होती हैं, लेकिन मेरी जो प्रक्रिया है, जो मैं आप सबके सहयोग से जो इस मुहिम को लाया हूं, मैं ये चाहता हूं कि पहले ये शहर हरिगढ़ लोगों की जुबान पर, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में आए जी। जिस दिन ये लोगों के मन में आ जाएगा, मस्तिष्क में आ जाएगा, उस दिन ये शहर हरिगढ़ हो जाएगा, और ये हरिगढ़ हो चुका है, क्योंकि आज आप हरिगढ़ बोलते हैं, मैं हरिगढ़ बोलता हूँ, ये संपूर्ण हरिगढ़ के निवासी, मैं तो जितने भी लोगों से बात करता हूँ सब हरिगढ़ बोलते हैं। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर मैंने इस शहर में 261 सभाएं में कर चुका हूं जी, बहुत करीब करीब 10 लाख लोगों को मैं इस मुहिम से जोड़ चुका हूं, उन्हें इस मुहिम पर संबोधित कर चुका हूं। और मेरा तो लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति, इस शहर की सांस्कृतिक विरासत, इस शहर, जब ये शहर अपने सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा होगा, तब हमें ये महसूस होगा, ये दिल से महसूस होगा कि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे पा रहे हैं जी। जब तक अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को
उस शहर का सांस्कृतिक धरातल न दे सके, उन्हें अपनी विरासत में अपनी संस्कृति न दे पाए तो हम क्या देंगे। जी, तो मैं इसी पर एक सवाल और करना चाहूँगा शर्मा जी आपसे, कि आपने पोस्टर लगवाए अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होना चाहिए, तो अगले दिन पोस्टर फाड़ दिए गए, तो क्या उन लोगों का पता चल पाया किसने फाड़े? क्या आपको नहीं लगता कि पोस्टर फाड़ दिया आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? कभी महसूस हुआ ऐसा? क्योंकि आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई अलीगढ़ में, ज़्यादातर पहले कुछ और माहौल रहा करता था, आज का माहौल कुछ और है, तो और आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, क्योंकि अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम बदलना हासी खेल हर किसी के बस की बात नहीं है, क्या कभी महसूस हुआ आपको शर्मा जी? जब आप हरी का काम करते हैं तो डर, दहशत, खौफ आपके दिल और दिमाग दोनों से निकल जाते हैं। जी, तो डर, दहशत और खौफ मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हरि की भक्ति में हूं, मैं हरि में हो चुका हूं। पोस्टर फटने का जहां तक सवाल है, वो कुछ किसी समुदाय विशेष का कृत्य भी हो सकता है जी, और वो किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत सोच का परिणाम भी हो सकता है जी। ये व्यक्तिगत सोच जरूरी नहीं किसी दूसरे समुदाय में हो, हमारे समुदाय में भी हो सकती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि इसमें जो कृत्य है, ज्यादातर जो मैं मान पा रहा हूं ये यही है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत सोच का परिणाम है। अब वो व्यक्ति कौन है ये पुलिस प्रशासन का काम है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे और उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है, हम कर रहे हैं जी। जैसा कि शर्मा जी ने आपको बताया, मेरा अंतिम सवाल शर्मा जी से एक और है, क्या इस अलीगढ़ की जनता से आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे हरिगढ़ को लेके? इस शहर को हरिमय बनाने में, इस शहर के निर्माण में, इस शहर के विकास में, इस शहर की तरक्की के लिए मैं जो भी कदम उठाऊं, आप लोगों के सहयोग से जो भी कदम हो उसमें मेरा साथ दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं 10 लाख लोगों को इस मुहिम से जोड़ चुका हूं और मैं 261 सभाएं कर चुका हूं। इस शहर में होने वाली ऐसी कोई भी जयंती किसी भी समुदाय ने की हो, चाहे अल्लाबाई होलकर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे परशुराम जयंती हो, चाहे भागवत कथाएं हो, चाहे कोई भी ऐसा कोई भी सामाजिक काम हुआ हो और उसमें जनता ने मुझे न बुलाया हो, ऐसा नहीं हुआ है। मैं उनसे इसी सहयोग की और उसकी अपेक्षा करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी का, भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का, प्रदेश नेतृत्व का, कि जिन्होंने 21 अगस्त को आकर इस हरिगढ़ की धरती पर हरिगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया। जी, तो मैं एक सवाल और यहीं आपसे पूछना चाहूँगा शर्मा जी, कि जिस तरीके से आप बार 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 आपकी मुहिम चली हुई है और आपने बताया अभी कि बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन किया है, जिस तरीके से हम नहीं कहते, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, विपक्षी पार्टियों वाले कहते हैं, बीजेपी के अपोजिट पार्टी वाले कहते हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदला जाएगा तो उसमें बहुत सारा करोड़ों रुपये खर्च होगा और उस करोड़ों रुपये से उस जगह का डेवलप किया जा सकता है, गरीब बच्चों को, कितने सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्या उस करोड़ों रुपए को उस नाम बदलने की बजाय बचाया जा सकता है, उनका कहना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उन्हें तो कुछ न कुछ कहना है। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ तो हरिगढ़ से बड़ा ही वो है ना शहर, अयोध्या फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ उससे बड़ा शहर है ना। अगर आपको अपनी पहचान मिले जी, तो वो किसी भी कीमत पर मिले, वो आपको ले लेनी चाहिए। आज मुगल गार्डन का नाम बदलकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत गार्डन कर दिया जी, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। तो ये जो ये आपकी पहचान है जी, आप अपनी पहचान खोके कुछ पाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ खोने के बाद अगर आपको अपनी पहचान मिलती है ना,
तो वो हर कीमत पर, हर कॉस्ट पर ले लेनी चाहिए। जी तो शर्मा जी, आपने हमें बहुत बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आपको ऐसे महान ज्ञानी पुरुषों से मिलाता रहूँगा, मुख्य अतिथियों से मिलाता रहूँगा और उनकी बातों से रूबरू कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं HVN से जय चौधरी, धन्यवाद।